हमारे बच्चों को मारा है बेमतलब। किन किन चीजों से मारा? लकड़ियों से, चक्कू से, चार चक्कू मारे मेरे भतीजे के दोनों हाथों में, पीठ में, पूरी कमर तोड़ दी, माथा फाड़ दिया। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। हाँ। और खेत पे से आ रहा था वो, खेत पे से आते हुए उसको 50 मुसलमानों ने घेर के उसको बहुत बला का मारा और उसका मेडिकल भी करवाया और यहाँ थाने में रिपोर्ट देना है। तो मैडम पुलिस वाली हमारे को तू तड़ा कैसे जवाब दे रही है, तो कहाँ का हमारी इंक्वायरी होगी, कहाँ हम न्याय लेने जाएंगे? किस बात को लेकर लड़ाई हुई? इस बात पे कुछ नहीं, हमारे मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है, मगर मुसलमान हमारे बच्चों को मारा है बेमतलब। किन किन चीजों से मारा? लकड़ियों से, चक्कू से, चार चक्कू मारे मेरे भतीजे के दोनों हाथों में, पीठ में, पूरी कमर तोड़ दी, माथा फाड़ दिया उसका भतीजे का। मैडम ने क्या बोला आपको? मैडम तू तड़ाके से बात कर रही है, बोले कि मैं दूंगी अजमेर का किराया, तो यहाँ सुनाई नहीं आएगी तो अजमेर में जाऊंगी मैं मेरे भतीजे को लेके। क्या नाम है भतीजे का? गन्नू मेरा। मारने वालों का नाम पता? उनका पता नहीं, मैं अजमेर से आई हूँ, अर्जेंट मुझे फोन करा के मेरे भतीजे के चक्कू लग गए, इसलिए मैं अजमेर से आई हूँ राती डांग से। कहाँ की है घटना? ये घटना अपने यहाँ की है, साईं बाबा के पास में। आपका नाम? रामसर चौकी के पास। मेरा नाम विद्या देवी, राती डांग।